सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 30i के हिडन फीचर और हिडन ट्रिक के बारे में, जो कि अमेजिंग स्मार्ट फीचर देखने को मिलते हैं इसके अंदर, कौन कौन है और इसे आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और अपने डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे जैसा कि कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा तो आपके डिवाइस में इस प्रकार का इंटरफेस कैसे सेट करेंगे, और आपका जो डिवाइस देखने को मिलता है ड्रॉप नोच डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। और यहाँ देख रहे होंगे कैमरे के साइड में आप एक रिंग लाइट को कैसे नोटिफिकेशन लाइट को सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट में, वो भी आपको लाइव प्रूफ इसमें डिटेल द्वारा बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मार्ट सेटिंग और हिडन फीचर को इनेबल करने के लिए आप अपने डिवाइस के सेटिंग को ओपन कीजिएगा। डिवाइस के सेटिंग को आप जैसे ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्पेशल फंक्शन का। स्पेशल फंक्शन के ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक कीजिएगा और सबसे पहला इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा लाइटनिंग। यहाँ पे देख रहे होंगे लाइटनिंग मल्टी विंडो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबसे पहला ऑप्शन, इस पर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद अपने डिवाइस में ऑप्शन ऑफ होगा, आप डिवाइस में अपने इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा। यहाँ से जैसे इनेबल करेंगे और साइड में स्लाइड करेंगे कहीं भी फिंगर रख के अपने डिवाइस को होल्ड करके फिंगर को, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपको यहाँ पे सभी शॉर्टकट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, और कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट यानी मेन स्क्रीन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप कहीं भी, यदि अपने डिवाइस के सेटिंग में हैं और चाहते हैं कि आप अपने डिवाइस के किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन की यूज करना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि स्कैनर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और स्क्रीन शॉट भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ही आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और यहीं पे आपको देख रहे होंगे कि लॉक स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहीं से अपने डिवाइस को यदि लॉक करना चाहते हैं तो लॉक भी हो जाएगा आपका मेन स्क्रीन। इसके बाद यहाँ पे फ़ोन बूस्ट का भी ऑप्शन यहीं पे देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ से आप अपने डिवाइस के जो फ़ोन बूस्ट का ऑप्शन है इसे यूज कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन को आप जरूर इनेबल कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो शॉर्टकट एप्लीकेशन है और कोई भी एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर से अगला जो हिडन टिप्स और ट्रिक जानने के लिए आप इसी सेटिंग में जाएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा गेम मोड का। गेम मोड यदि आप अपने डिवाइस में गेमिंग खेलते हैं तो गेम मोड को इनेबल जरूर कर लें। तो सबसे पहले गेम मोड पे आपको एक बार टैप कीजिएगा। गेम मोड पे जैसे ही आप यहाँ पे टच करेंगे इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे गेम मोड आपके डिवाइस में ऑफ होगा, इसको आप इनेबल कर लीजिएगा और जितने भी गेम पैनल देखने को मिलते हैं उसको इनेबल कर लीजिएगा। और यहाँ पे ग्राफिक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी आप अपने डिवाइस में इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब भी कोई गेम खेलेंगे तो आपको गेम के टाइम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज आपका डिवाइस देखने को मिल जाएगा और गेम का परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगला आपको हिडन फीचर देखने को मिलता है यहाँ पे देख रहे होंगे एक्स क्लोन के ऑप्शन पे आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। एक्स क्लोन के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके डिवाइस में यदि कोई भी सोशल मीडिया का एप्लीकेशन को आप चाहते हैं कि डुअल अकाउंट में यूज करना, यानी एक फ़ोन में आप चाहते हैं दो फेसबुक, दो व्हाट्सअप और दो इंस्टाग्राम या कोई और एप्लीकेशन को यूज करना, तो आप डुअल एपीएस से क्रिएट कर सकते हैं और एक फ़ोन में यहाँ पे देख रहे होंगे दो दो फेसबुक या दो दो व्हाट्सअप या दो दो इंस्टाग्राम आप यूज कर सकते हैं, यानी डबल अकाउंट यूज कर सकते हैं और डुअल एप्लीकेशन का ऐप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए अगले हिडन फीचर के बारे में, तो आपके डिवाइस में एक ऑप्शन देखने को मिलता है मोल का, इसी में स्पेशल फंक्शन में ही मोल ऑप्शन पर जाइएगा और इसको इनेबल कर दीजिएगा। इसको इनेबल करने से फ़ायदा होगा यदि आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं कॉलिंग के दौरान या कभी भी, तो आप हेड टू हेड आपको वॉइस चेंजिंग और अब ट्रांसलेट का ऑप्शन इससे देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात की जाए और हिडन फीचर के बारे में, तो जो आपको डिवाइस में हिडन फीचर देखने को मिलता है वो आपका स्मार्ट कॉल सेटिंग में देखने को मिलता है। आप अपने डायलर को सिंपली ओपन कीजिएगा, इसके बाद सेटिंग में इस पर क्लिक कीजिएगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा फ्लैश ऑन करने का, तो इसको ऑन कर लेंगे, कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा तो आपका फ्लैश जलेगा। इसके बाद ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद अगला हिडन ट्रिक के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, यहाँ पे देख रहे होंगे माई वीडियो शो का ऑप्शन देखने को आपके डिवाइस में मिलता है। माई वीडियो का ऑप्शन जो देखने को मिलता है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में
कोई भी चाहते हैं कि इनकमिंग कॉल पे वीडियो सेट करना चाहते हैं कि कोई भी इनकमिंग कॉल आए तो आपका डिवाइस में रिंगटोन के जगह नॉर्मल स्क्रीन के जगह आपको वीडियो दिखाई दे, तो आप वीडियो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं और आप अपने गैलरी से भी कर सकते हैं और आपको थीम स्टोर से भी देखने को मिल जाएगा, वो भी कर सकते हैं। और नॉर्मल स्क्रीन भी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो अपने डिवाइस में सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। इसमें जो हिडन ट्रिक देखने को मिलता है, सबसे पहला एंसर कॉल यहाँ पे देख रहे होंगे, फिंगरप्रिंट से आप कोई भी डिवाइस में इनकमिंग कॉल आ रहा है तो फिंगर लगाएंगे, ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। इसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग फिंगरप्रिंट का सभी ऑप्शन देखने को मिलता है, कॉल रिकॉर्डिंग भी फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं। और इसके बाद अपने डिवाइस में पावर बटन इंड कॉल भी कर सकते हैं, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आपको हिडन फीचर देखने को मिलता है, फ्लिप टू म्यूट कॉल का। यदि आपके डिवाइस में कोई भी इनकमिंग कॉल आती है और अपने डिवाइस को फ्लिप करके रख देते हैं तो आपका इनकमिंग कॉल ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको हिडन फ्यूचर में देखने को मिलता है, यहाँ पे देख रहे होंगे रिस्क टू ईयर। इस ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस ऑप्शन को यदि आप इनेबल रखते हैं अपने डिवाइस में, तो यदि आपके डिवाइस में कोई भी इनकमिंग कॉल आता है, यदि आप अपने डिवाइस को केवल अपने ईयर के पास लेके चले जाते हैं तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा, आपको फिंगर से कॉल रिसीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो अगला आपको देखने को मिलता है, एंसर कॉल विथ गेस्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस हिडन फ्यूचर के यदि आप इनेबल कर लेते हैं तो आपके डिवाइस में कोई भी इनकमिंग कॉल आता है उसे रिसीव करना चाहते हैं, केवल अपने दो फिंगर को 20 सेंटीमीटर से अपने स्क्रीन के सामने यदि आप कर देते हैं दो फिंगर को, तो आपका कॉल एंसर हो जाएगा यानी रिसीव हो जाएगा। और रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने डिवाइस के स्क्रीन पे केवल 5 फिंगर को दूर से ऐसे आप इशारा कर देंगे तो आपके डिवाइस में जो कॉल है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसे स्मार्ट कॉल सेटिंग को आप कर सकते हैं, यहाँ से आपको ये देखने को मिल जाती है, तो इसे आप ज़रूर करिए। इसके बाद जो हिडन फीचर देखने को मिलता है उसके बारे में बात की जाए, तो आप अपने नोटिफिकेशन पैनल में आइएगा और यहाँ पे देख रहे होंगे आप अपने डिवाइस में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ इनेबल कर सकते हैं। इसमें आपको दोनों को एक साथ इनेबल करने का परमिशन मिल जाता है। आप कहीं से भी वाईफाई कनेक्ट करके और हॉटस्पॉट से दूसरे डिवाइस को इंटरनेट शेयर कर सकते हैं या डाटा शेयर कर सकते हैं। तो वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ इनेबल इसमें करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद जो अगला आपको इसमें हिडन फीचर देखने को मिलता है उसके बारे में बात की जाए, तो आपको देखने को मिलता है आपका फ्लैश लाइट। इस पर आप टैप करके रखेंगे कुछ देर, उसके बाद आपके डिवाइस में फ्रंट फ्लैश भी देखने को मिलता है और रियर फ्लैश भी देखने को मिलता है और बैक भी। तीन दोनों को एक साथ इनेबल करना चाहते हैं तो इस पर आप टैप करके रखिएगा और 360 डिग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आप अपने डिवाइस में दोनों फ्लैश लाइट को एक साथ ऑन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला हिडन फीचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे एक ऑप्शन मिलेगा पिक प्रूफ का। इस ऑप्शन को यदि आप अपने डिवाइस में इनेबल कर सकते हैं तो आप कहीं भी भीड़ भाड़ एरिया में हैं और यदि आप अपने डिवाइस को कस्टमाइज करके और स्क्रीन को छोटी साइज में करके कोई प्राइवेट चीज़ यूज करना चाहते हैं कि कोई साइड में खड़ा है तो देखे नहीं, तो इसके द्वारा आप अपने स्क्रीन को अपने हिसाब से मिनिमाइज कर सकते हैं और कोई भी अपना सीक्रेट चीज़ यूज कर सकते हैं। और इसको आप करने के लिए यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे और ये मोड ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसके बाद जो अगला आपको फ्यूचर देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन बार में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीप अलर्ट का। यहाँ पे इसको मैं यूज करके बता देता हूँ, यहाँ पे देख रहे होंगे थीप अलर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसको यदि आप जैसे इनेबल कर देते हैं तो आप अपने डिवाइस को चार्जिंग में लगाए हैं, यदि कोई भी आपका डिवाइस चार्जिंग से निकालता है या चार्जिंग डिस्कनेक्ट करता है तो आपको एक नोटिफिकेशन अलर्ट आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका डिवाइस चार्जिंग से कोई हटा दिया है, यानी आपका डिवाइस कहीं भी यदि लगाए हैं चार्जिंग में, चाहे कोई चाहता है कि आपका डिवाइस चार्जिंग से हटा दे और या चार्जिंग डिवाइस चोरी कर ले चार्जिंग से निकाल कर, तो नहीं कर सकता क्योंकि आपको एक अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आपको 100% पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस कोई चार्जिंग से डिसकनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो हिडन फीचर देखने को मिलता है वो फ़ोन मैनेजर में देखने को मिलता है। फ़ोन मैनेजर में आप सिंपली ओपन कीजिएगा। इसके फ़ोन मैनेजर में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिलता है। सबसे पहला जो हिडन फीचर इसमें आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दिखा दें मैं आपको, यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ से आप ऐप लॉक कर सकते हैं और ऐप लॉक पे क्लिक करके कोई भी जो एप्लीकेशन आपके डिवाइस में देखने को मिलते हैं उनको यहाँ पे आसानी से लॉक कर सकते हैं। ऐप लॉक फिंगरप्रिंट के द्वारा भी कर सकते हैं और आप फेस लॉक के भी थ्रू कर सकते हैं और पैटर्न के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला हिडन फीचर देखने को मिलता है, एक साइड का ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा और इसमें आप अपने डिवाइस में
कोई भी वीडियो, पिक्चर, डॉक्यूमेंट या रिकॉर्डिंग या एप्स को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से हाइड कर सकते हैं। देखिए, जैसे कोई भी वीडियो आपको हाइड करना है तो वीडियो वाले पर क्लिक कीजिएगा और वीडियो को सेलेक्ट करके कन्फर्म करेंगे, वो वीडियो आपके गैलरी से ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगी। तो यानी इसे प्राइवेट सेफ के नाम से भी यूज कर सकते हैं। आप कोई भी अपना प्राइवेट चीज़ को सेफ रखना चाहते हैं तो इसमें आपको हाइड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। कोई साइट से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने सारे हिडन फीचर देखने को मिलते हैं। अब बात की जाए कि आप अपने कैमरे के साइड में नोटिफिकेशन लाइट को कैसे इनेबल कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ। रिंग लाइट के नाम से एप्लीकेशन का एक लिंक है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसे इनेबल कर सकते हैं आसानी से अपने डिवाइस में। मैं डिटेल से बता देता लेकिन वो बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप कर सकते हैं आसानी से, उसमें कोई इजी अवे में हो जाएगा, कोई भी हार्ड आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो जाइए डिस्क्रिप्शन से उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और इनेबल करके अपने डिवाइस में आसानी से रिंग लाइट को इनेबल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।